आद्या का अनुपमा पर सीधा अटैक, खुद ही खोल दिया मान के मिलन का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आद्या का जो सीन है जिसमें वो अनुपमा पे स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट पे सीधा अटैक करती है, सवालों की, इल्जामों की बौछार करती है, धक्के मारती है, सब कुछ करती है, मगर ये जो सीधा हमला है ये बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जाएगा। बात करते हैं पहले, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस समय आद्या जिस मूड में चल रही है उसको अनुपमा की शक्ल तक नहीं देखनी है। वो ये कहती हुई पाई जाती है, हम सुनते हैं उसकी बातों को कि तुम यहां पे क्यों आ गई, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ सुना, आगे भी सुनेंगे, मगर इस सब का, पूरे सीन का क्या इंपैक्ट हुआ अनुपमा पे, ये बात काबिले गौर है। अनुपमा जो छोड़ के आ गई थी अपने अनुज और अपनी छोटी को, क्यों छोड़ के आई थी वो बार बार कह रही है कि इनकी खुशी के लिए, क्योंकि इन लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हो रही थी। अनुज ने कह दिया 26 साल के प्यार के बारे में कि जल्दबाजी कर दी शादी करने में, और बाकी सब कुछ कहा जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी तक ट्रोलिंग का जो है केंद्र बना हुआ है। और आद्या ने भी आई हेट यू मम्मी कह दिया और मुझे क्यों नहीं बचाया, मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूं, वगैरह वगैरह सब कह दिया। तो अनुपमा ने यहां पे जो ठीक समझा वो कर दिया, और उसको लगा कि थोड़ी दिनों के बाद या कुछ समय के बाद दोनों ठीक हो जाएंगे। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं इनकी बनेगी और ये आपस में खुश रहेंगे। मैं चली जाऊंगी तो कुछ फर्क पड़ेगा मगर ज्यादा दिन तक नहीं पड़ेगा, इस भ्रम में अनुपमा वहां से चली गई। मगर आज 5 साल बाद जिस आद्या से अनुपमा मिलेगी दोस्तों, अनुपमा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो अपनी छोटी को इस हालत में नहीं देख पाएगी, वो अपनी हालत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी कि मेरी छोटी ने मुझे क्या क्या कुछ कह दिया, बल्कि वो इस बारे में सोचेगी कि मेरी छोटी की जिंदगी क्या हो गई है। एक बच्ची के अंदर मेरे प्रति यानी अपनी मां के प्रति इतनी नफरत, इसका मतलब यह है कि ये बच्ची ठीक नहीं है। और जब ये चीजें अनुपमा रियलाइज करेगी, क्योंकि उस समय तो अनुपमा बेहोश हुई है, वो सब हम देखेंगे और देख ही रहे हैं, तो ये जो चीज है ये अनुपमा पे बाद में बहुत बड़ा इंपैक्ट देगी। क्योंकि जिस अनुपमा को हम सब जानते हैं वो किसी का बुरा नहीं करती है, अगर अनइंटेंशनली कोई बुरा हो जाता है तो उसको वो ठीक करती है, चाहे उसको अपनी जिंदगी की कॉस्ट क्यों ना लगानी पड़े। यहाँ पे तो उसकी अपनी छोटी का सवाल है जिसको वो रात दिन याद करती है, तो जब अपनी छोटी का ये हाल देखेगी तो क्यों नहीं अपनी छोटी की जिंदगी में वापस जाएगी, किसी भी तरीके से छोटी को ठीक करने की कोशिश करेगी। इस बीच में अनुज की भी हालत छोटी के जरिए अनुपमा के सामने आ गई। वैसे तो अनुज को मिलके भी अनुपमा काफी कुछ समझ गई कि आज भी अनुज का दिल जो है अनुपमा के लिए धड़क रहा है, अनुज आज भी अनुपमा को प्यार करता है। मगर यहां पे श्रुति भी है, इस पूरे के पूरे एंगल में श्रुति शामिल हो गई है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि अब श्रुति को भी न्याय दिलवाना है अनुपमा ने, तो अब ये पूरा किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें ये पूरी फैमिली यानी कि अनुपमा, अनुज और छोटी एक टाइम पे एक साथ हो जाएंगे दोस्तों, मगर इनके बीच में जो मुद्दा रहेगा वो श्रुति का रहेगा, और अनुपमा कहेगी कि आप उसके साथ मूव ऑन कीजिए, आपने किया था तो यही सही है वक्त के हिसाब से, उसका दिल नहीं टूटना चाहिए, मुझे इस तरह से लग रहा है। क्योंकि आद्या का इस तरह खुल के सामने आना, सारे राज फाश कर देना, श्रुति का भी राज फाश कर दिया कि वही है मेरी माँ जो आके आपके पास बैठती है, दिल खोलती, सब कुछ उसने बता दिया, क्योंकि अनुपमा समझ जाएगी कि श्रुति की बेटी है, और अगर श्रुति की बेटी मेरी बेटी है तो एके भी तो अनुज ही है, तो ये पूरा का पूरा पर्दाफाश होगा और फिर शुरू होगी अनुपमा की नई यात्रा अपने छोटी और अपने अनुज की लाइफ को सेट करने के लिए, उनको इन दुखों से दूर करने के लिए। क्योंकि बाकी सबके बारे में तो अब वो नहीं सोच रही है, जैसे कि हमने देखा कि तोशुक एंजल ने बहुत कोशिश की मगर अनुपमा ने उनको दो टुक जवाब दे दिया, मगर अनुज और छोटी के बारे में वो जरूर सोचेगी। अब दिखाएगी अनुपमा क्या है, अनुपमा सबके बारे में क्या सोचती है और अनुपमा क्या कर सकती है, ये बड़ा ही मजेदार होने वाला है दोस्तों।
मुझे तो ये लगता है कि ये जो इतना भयंकर सीन निकला है ना, ये इसी वजह से निकला है कि आगे इसके बाद बहुत ही अच्छी सुबह आने वाली है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.